हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज वीडियो में हमारे पास है फोर्ड फिगो और उस कार में जो प्रॉब्लम है वो सेंटर लॉक के बारे में। तो कभी कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ कमेंट्स और कॉल्स भी आए थे कि उन्होंने बताया कि भैया मेरी गाड़ी जो है सेंटर लॉक प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है, गाड़ी हमारी लॉक नहीं होती। तो वही केस जो है मेरे पास आया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये कार की चाबी और कार का जो सेंटर लॉक काम कर रहा है, बट हमारे डोर जो है लॉक नहीं हो रहे। जैसे कि मैं उस गेट पर दिखाता हूँ, उस प्रॉब्लम के लिए हमें इसका जो डोर का जो कवर है वो खोल के और इसका जो लैच है वो हमें बाहर निकालना होगा। और उसको निकालने के बाद ही हम जो प्रॉब्लम है आपको शो करा सकते हैं। तो अभी हमने इसका जो लैच जो है बाहर निकाल दिया है। तो अभी इसको हम एक बार लॉक करने के बाद उसको सेंट्रल लॉक से चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों है। इसको हम एक बार सेंट्रल लॉक से चेक कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा लॉक है वो नहीं हो रही गाड़ी, क्योंकि ये जो इसका बैक डोर का जो सब लीवर है वो एकदम से लीवर के अंदर जाके अटक जाता है। ठीक है, तो सभी इसको लीवर को हम चेक करेंगे, ये लीवर किस वजह से ओपन होकर रह जाता है। ठीक है, कमी देख ज़्यादा चक्कर पड़ता है। प्रॉब्लम इसमें है, यहाँ पर पकड़ इसको, ऐसे देखा मैं, ऐसे देखा इसको मैं पकड़ लेगा। ठीक है, तो जाना चाहिए इसमें है ये जो जो लीवर है ये टूट चुका है अंदर से, अंदर टूट गया है, यहाँ पर रुक नहीं रहा है, यहाँ से टूट गया है। अब जो इसका जो लॉक होता है ना, जब लॉक हो जाता है तो ऐसे घूम के ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, लॉक हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो इससे क्या सेंटर लॉक अपने आप लॉक हो जाती है। ठीक है, मुझे अभी इसको छोड़ देंगे अपन यहाँ पर, फिर लॉक हो जाए, यहाँ लॉक नहीं हो जाएगी, काटना पड़ेगा मैंने इसको, हटा दो, टूट तो गई हुई मतलब मुझे। ठीक है, ठीक है, लॉक अनलॉक दोनों हो गए। अब इसको अभी हट गया तो लॉक हो जाएगा आराम से। देखिए, पहले इसको करते हैं अनलॉक। ठीक है, अनलॉक विल लॉक। अभी पहले क्या लॉक हो गया, वापस से अनलॉक हो रहा था जी, अब तो लॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है जी, अनलॉक। ठीक है, फिट करिए फटाफट, फिट कर दें।